हेलो नमस्ते सत श्री अकाल, और एक बार फिर से आप सभी लोगों का बिहारी काइट्स के इस ऑफिशियल चैनल पर स्वागत है। सुबह हो चुकी है और समय आ चुका है कि मटन का जो जायका है वो आप तक कुछ खास तरीके से पहुंचाया जाए। और आप मेरे पीछे जो मुझे देख रहे हैं, जो लोकेशन आप मुझे देख रहे हैं भाई साहब, शायद आप अनुमान लगा रहे हो कि इस पर शायद हमने कभी मुलाकात किया है आपसे। जी हाँ बिल्कुल, आप सही सोच रहे हैं। हमारा जो लास्ट दूसरा या तीसरा वीडियो आप देख सकते हैं, वहाँ पर हमने रिकॉर्ड किया था, हमने प्रॉपर तरीके से दिखाया था मुन्ना होटल और मटन का जो पूरा जो तरीका था, मुन्ना होटल और साथ में विजय होटल का पूरा प्रोसेस दिखाया था। यही वो नाला है, नाला क्रॉस कर हम लोग जाएंगे तो यहाँ पर मुन्ना होटल पहले पड़ेगा और उसके बाद विजय होटल पड़ेगा। लेकिन भाई साहब, आज जहाँ पर हम आए हैं ना, उसके लिए आपको नाला नहीं पार करना पड़ेगा, क्योंकि वो जो है वो नाले से पहले है। ये देख सकते हैं मेरे पीछे छोटा सा सेटअप है, सुबह का समय है और आप मेरे पीछे देख सकते हैं प्याज जो है वो प्याज कटना शुरू हो चुका है। मटन की तैयारी जोरों शोरों से है, जायका आप तक पहुंचाने की पूरी कोशिश हमारी है। लोकेशन के बारे में अगर बात करेंगे भाई साहब, तो वैसे लोकेशन तो लास्ट लोकेशन जो था वही है, लेकिन जो हमारे साथ नए व्यूवर्स जुड़ रहे हैं उन लोगों को तो भाई लोकेशन बताना पड़ेगा ना। तो लोकेशन जो है वो कुछ इसके बारे में भाई साहब बात करूँगा। तो मैं आपको, आप देख सकते हैं कि सामने पटना का गांधी मैदान और गांधी मैदान का शहीद स्मारक जो आप पार्क बोल सकते हैं, उसके बगल में है ये भारत पेट्रोलियम। और वहीं से आप जब आगे आइएगा तो रोड क्रॉस करने के बाद आपको दिखेगा ये हरियाली मार्केट अंटा घाट का, जैसे कि लास्ट वीडियो में भी हमने दिखाया था प्रॉपर तरीके से। और यही वो हरियाली मार्केट है और इसी के अंदर से होकर आपको जाना है, तभी पहले पड़ेगा मतवाली होटल, उसके बाद पड़ेगा मुन्ना होटल और उसके बाद पड़ेगा विजय होटल। तो चलिए चलते हैं अंदर और देखते हैं। प्याज कट चुका है मटन के लिए, पूरा जो प्याज है ना ये देखिए एकदम कट चुका है, और अभी वेज जो है वो तैयार हो रहा है ताकि वेज पहले निकल जाएगा तो फिर मटन तैयार किया जाएगा। तो बने रहे हैं हमारे साथ आप। ये देखिए भाई साहब, पालक और आलू की सब्जी जो है पहले वेज तैयार करके निकाल लिया जा रहा है। ये देख सकते हैं गाइस कितना बढ़िया तरीके से। वेज लवर जितने भी हैं ना, वो लोग लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। ये देख सकते हैं गाइस, मटन के लिए ना ये जो सिंहासन है ये तैयार हो चुका है। पानी डाला गया है, पानी डाला गया है। लगभग कितना प्याज है? यह 20 किलो। 20 किलो है। और मटन लगभग कितना बनेगा? 10 केजी। हाँ 10 किलो। 10 किलो में 20 केजी प्याज। 2 किलो चुस्ता रहेगा। अच्छा 2 किलो चुस्ता रहेगा। ये देखिएगा इस कितना बढ़िया तरीके से मतवाली होटल का, ये आज हम लोग दिखाने वाले हैं चिकन स्टू। मटन। अच्छा सॉरी माफ़ करिएगा, मटन स्टू है कि नहीं? मटन इतना हो गया है कि अब भूल गए चिकन की तरफ चले गए, है कि नहीं? अच्छा ये मसाला के लिए निकाले हैं। अच्छा चलिए, मतवाली होटल का ये मटन स्टू आज देख सकते हैं। ये नमक डल चुका है भाई साहब, इसमें पानी भी डाला हुआ है। हाँ पानी डाले हल्का, ताकि जरेगा नहीं नीचे। अच्छा अच्छा जरेगा नहीं इसलिए। हल्का हल्दी डालेंगे। अच्छा हल्दी डालिएगा। हाँ बस हल्का सा हल्दी। ये देख सकते हैं गाइस कितना बढ़िया तरीके से ये हल्दी, ये देख सकते हैं कितने बढ़िया तरीके से हल्दी डाल दिया गया है। ये देख सकते हैं गाइस, ये लाल मिर्च, ये चुस्ता के लिए ना? अच्छा चुस्ता ही के लिए ना? तेज पत्ता। अच्छा तेज पत्ता इसमें, ये तो अचानक से एकदम मतलब हलहला दिए एकदम, अचानक से एकदम सब एक के साथ अकेले। आज अकेले हैं लग रहा है दुकान में? अकेले हैं, मालिक भी नहीं, हम स्टाफ हैं। और आज देख सकते हैं आज सब अकेले कर रहे हैं आप तो। हाँ तो मतलब अकेले संभाल लीजिएगा। संभाल लेंगे, अरे बचपन से काम किए हुए हैं तो संभालिए लेंगे। क्या बात है, एकदम गजब। इस पे तो लाइक बनता है दोस्त, इस पे तो लाइक शेयर बनता है भाई साहब। चाहेंगे तो अपना होटल भी खोल सकते हैं, लेकिन नहीं खोल रहे हैं, अभी बच्चा है। नहीं नहीं, होटल खोलने का जरूरत नहीं है भाई, होटल खोल लीजिएगा तो हमारे व्यूवर्स कैसे आएंगे आप पर खाने के लिए, है कि नहीं? है कि नहीं? मिलजुल कर काम करिए। ये देखिए गाइस क्या बात है, कितना बढ़िया तरीके से आधी लहसुन पेस्ट। ये देख सकते हैं गाइस, ये देख सकते हैं कितना बढ़िया, थोड़ा सा पानी इसमें डाल दिया गया है।
ये देख सकते हैं थोड़ा सा पानी डाल दिया गया है, कितना बढ़िया तरीके से इसे चलाया जा रहा है। ये देख सकते हैं गाइस, 20 केजी में से 2 केजी सफ़ा चट किए हैं प्याज, लेकिन 18 केजी है, मतलब 10 केजी में 18 केजी प्याज डाला जाता है, 10 केजी में 18 केजी प्याज डाला जाता है। क्या बात है भाई, बनता है, है ना। ये देख सकते हैं गाइस कितने बढ़िया तरीके से प्याज में मसाले भुनने के बाद इसमें डाल दिए गए हैं। ये देख सकते हैं इधर चुस्त, मतलब जो कलर है ना वो धीरे धीरे खिलना शुरू हो चुका है प्याज का, और आप देख सकते हैं भाप जो है वो धीरे धीरे। तो बने रहे हमारे साथ, आगे का प्रोसेस हम लोग देखते हैं। सो गाइस, ये जो है कलेजी का जो मसाला है वो साथ में तैयार किया जा रहा है। ये देख सकते हैं कलेजी का मसाला, ये देखिए गाइस कितना बढ़िया तरीके से साथ में कलेजी का मसाला, और एक तरफ स्टू के लिए बड़े से हांडी में उस मसाले को तैयार किया जा रहा है। आप देख सकते हैं कितने बढ़िया तरीके से, मतलब भाई साहब, मतलब बात करें ना इसके जायकेदार खुशबू के बारे में, तो प्याज का जो तड़का होता है ना उसका जो खुशबू है भाई साहब, वो एक जायकेदार जायका जो है वो कहीं ना कहीं फैलाता है। ये देख सकते हैं कितना बढ़िया, और भारत के किसी भी कोने से अगर हमारी वीडियो को अगर आप देख रहे हैं शेयर करें, और बिहार के किसी कोने से देख रहे हैं तो भाई साहब लाइक तो बनता है ना, बने रहे हमारे साथ। सो गाइज देख सकते हैं रंग कितना बढ़िया निखर के आया है, और अब जाने वाला है आधी लहसुन का पेस्ट। अच्छा, ये कलेजी के लिए है ना। ये देखिए कितना बढ़िया कलर आया गाइस, देख सकते हैं रंग तो बहुत बढ़िया आया है निकल के। क्या अभी इसमें मसाला डालेंगे, हल्दी मिर्चाई धनिया है ना, तब उसको भूजेंगे थोड़ा देर। ये देखिए कितना बढ़िया कलर भाई साहब, अब इसमें जाने वाला है हल्दी, ये देखिए मिर्चा, ये देख सकते हैं मिर्चा, धनिया, कलेजी के लिए मसाले भुने जा रहे हैं, देख सकते हैं गाइस हल्का सा पानी, ये देख सकते हैं गाइस हल्का सा पानी इसमें गया, कितना बढ़िया तरीके से, क्या बात है। कलेजी का भी डिमांड बहुत है क्या? हाँ, कलेजी का भी डिमांड बहुत है, कलेजी के भी ग्राहक आता है। कलेजी का क्या प्राइस है? 4 पीस 150 है ना, कोई भी अगर कस्टमर खाना चाहे तो उतना में खा सकता है क्या? हाँ, 150 में भर पेट हो जाएगा, चावल कलेजी 4 पीस। ये देख सकते हैं गाइस, और कलेजी के साथ रोटी का डिमांड है कि नहीं? रोटी भी की है ना, आज चूँकि आदमी कम है तो आज रोटी बनेगा कि नहीं? आज आदमी नहीं है तो रोटी हम नहीं बनाएंगे। ये देखिए गाइस, ये मटन इसमें जा रहा है, लगभग कितना मटन है? 10 किलो 10 केजी मटन, ये देख सकते हैं गाइस, ये देखिए, ये देखिए बहुत अच्छे तरीके से इसे धुला कर लाया गया, और यहाँ पर फिर से फाइनली इसे साफ़ करके एक बार डाला जा रहा है, एकदम देख सकते हैं एकदम अच्छे तरीके से फ्रेश धुलाने के बाद इसमें अच्छे तरीके से मटन जो है वो जा रहा है भाई साहब, 10 केजी मटन, ये देख सकते हैं गाइस, ये देख सकते हैं गाइस कितने बढ़िया तरीके से 10 केजी मटन, धुआं होने के कारण थोड़ा सा धुंधला, लेकिन भाई साहब मटन के जो प्रेमी हैं ना, आप लोग वीडियो को सपोर्ट करें, हर जगह पहुंचाएं, प्यार दें, और बिहार की राजधानी पटना से अगर हमारे वीडियो को देख रहे हैं तो पटना में अगर कुछ ऐसा खास मटन का ऐसा जगह हो या नॉनवेज पॉइंट हो, इवन कोई वेज का स्पेशल ऐसा कोई कंटेंट भी हो तो कमेंट जरूर करिएगा विद एड्रेस कि कौन सा जगह है वो। ये देखिए भाई साहब कितना बढ़िया तरीके से इसे वॉश करने के बाद यहाँ पे इसे डाला जा रहा है, ये देख सकते हैं एकदम बढ़िया तरीके से, एकदम बढ़िया तरीके से इसे मिलाया गया है अंदर स्टू के लिए, ये देख सकते हैं स्टू का, ये चुस्ता देखिए डाला जा रहा है, ये देखिए भाई साहब, ये देखिए चुस्ता, लगभग कितना ग्राम का चुस्ता होगा? एगो होगा आधा किलो का, एगो आधा किलो का चुस्ता, 4 चुस्ता, ये देख सकते हैं गाइस, ये देख सकते हैं कितने बढ़िया तरीके से
यहाँ पे चुस्ता इसमें डाला गया है, देख सकते हैं। ये देखिए भाई साहब, इसमें लर डाला जा रहा है। ये देखिए एकदम लर। ये देख रहे हैं चुस्ता इसमें और भी है। अच्छा, एक चुस्ता था। ये देखिए भाई साहब, अच्छा छोटा। टोटल कितना चुस्ता है? मेरे ख्याल से 6 चुस्ता हो गया है। वाह, ये देखिए गाइस, ये देख सकते हैं कलेजी एकदम, कितना फ्रेश कलेजी। कितना कलेजी है? लगभग होगा 1 किलो। 1 किलो होगा। हाँ, तिल्ली है जो कि 1 किलो रहता है खस्सी के पूरा। अच्छा, ये डबल नहीं होगा, ये एक ही पीस रहता है पूरे में। अच्छा, ये एक ही पीस रहता है। हाँ, आई कलेजी भी 1 ही रहता है, लेकिन वो बड़ा रहता है। आई 1 ही रहता है, छोटा इतना ही गो। हाँ। बहुत लोग क्या करते हैं कि बहुत बड़ा बड़ा कलेजी रख देते हैं, बाद में तोड़ते हैं। ये देखिए भाई साहब, ये देखिए कलेजी इसमें डाल दिया गया, ये देख सकते हैं एकदम कितना बढ़िया तरीके से। देखिए भाई साहब, कलेजी इसमें डाल दिया गया। ये देखिए कलर, देखिए भाई साहब कलर, ये देखिए भाई साहब, ये कलेजी देखिए भाई साहब, गांके को जा रहा है। क्या बात है भाई साहब, ये देखिए थाली प्लेट सज चुका है भाई साहब। ये देखिए भाई साहब, स्टू जो इसमें डाला गया है, स्टू जब तैयार हो रहा है तो इसके लिए मसाले अलग से तैयार किए जा रहे हैं। अच्छा, ये मसाला अलग तैयार होता है? हाँ, ये अलग से मसाला बोलेंगे। अच्छा, यानी पूरा अंटा घाट में मतलब कंसेप्ट यही है, अलग मतलब स्टू के लिए अलग मसाले प्रिपेयर किए जाते हैं। विजय होटल, मुन्ना होटल में भी हमने देखा, और यहाँ मतवाली होटल में भी कंसेप्ट एकदम सेम है। ये देख सकते हैं गाइस, स्टू के लिए यहाँ पे तैयार किए जा रहे हैं मसाले अलग से, और इसे बाद में स्टू में मिलाया जाएगा। बहुत बार लोग जो बोलते हैं बिरयानी के मसाले, भाई ये बिरयानी का, बिरयानी को स्पेशली मतलब बिरयानी मत समझिए, ये मसाले जो भुने जा रहे हैं ना, ये बिरयानी के मसाले अब बोले जाते हैं यहाँ पे। टर्म्स है, टर्मिनोलॉजी है, समझा करें। ये देखिए बगल में मटन को चलाया जा रहा है, ये देख सकते हैं गाइस, ये देख सकते हैं कितने बढ़िया तरीके से मटन ऊपर में चुस्ता जो है ये तैर रहा है। आप देख सकते हैं, भीड़ देख सकते हैं, यहाँ पर जमना शुरू हो चुका है, लोग यहाँ पर खाना शुरू कर चुके हैं, और हम टेस्ट के बारे में भी बात करेंगे। और यहाँ पर भी एक कस्टमर जो है, मेरे ख्याल से ये यहाँ पर कलेजी खा रहे हैं, तो हम इनसे जानते हैं कलेजी का टेस्ट कैसा है। तो सबसे पहले क्या नाम हो गया आपका? मेरा नाम रंजन कुमार। अच्छा, कैसा टेस्ट लग रहा है? ठीक है, ठीक लग रहा है। ये देख सकते हैं गाइस, ये देखिए यहाँ पे, देखिए भाई साहब यहाँ पर दो लोग कस्टमर अभी और खा रहे हैं, एक एक करके इनसे हम पूछते हैं। तो सबसे पहले आपका नाम क्या हो गया, नाम हमारे दर्शकों को बताएं। पंकज नाम हुआ। पंकज जी, कैसा स्वाद लग रहा है? अच्छा है। सुन रहे हैं कि लोग बोल रहे हैं यहाँ आप रोज आते हैं खाने? रोज आते हैं। मतलब क्या खास है, मतलब टेस्ट खास लगता है? हाँ, टेस्ट अच्छा है। तो हमेशा कलेजी ही खाते हैं? नहीं, अलग अलग। चलिए देख सकते हैं गाइस, प्लेट सफाचट हो चुका है। यहाँ पर भी एक और कस्टमर से, इनके बारे में भी मुझे पता चला है कि ये रोज़ आते हैं। ये देखिए, चलिए सबसे पहले जानते हैं इनका नाम। आपका नाम क्या हो गया? शुभ नाम? शंभू शरण। तो शंभू जी, कैसा टेस्ट लग रहा है? ठीक लग रहा है, कलेजी लिए हैं मेरे ख्याल से आप। ये देख सकते हैं गाइस, काफ़ी बढ़िया टेस्ट से लोग कस्टमर सेटिस्फाइड हैं। और शुरू हुआ है अभी, मतलब खाने का समय प्रक्रिया अभी शुरू है, और भीड़ आप देख सकते हैं गाइस धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो चुका है। वेज तैयार है, बने रहे हमारे साथ। मसाले बस समझिए, स्टू के मसाले, ये देखिए आय हाय है, क्या कलर है भाई साहब, कितने अच्छे तरीके से भुने जा रहे हैं। ये देखिए भाई साहब, आधी लहसुन का पेस्ट डाला जा रहा है। ये देखिए मसाले को स्टू के लिए तैयार किया जा रहा है, कितना बढ़िया कलर भाई साहब, देखिए कलर, देखिए भाई साहब, ये देखिए। और एक तरफ इस बिरयानी के मसाले स्टू के लिए, और दूसरी तरफ भाई साहब क्या सही सा कलर है भाई, क्या सही सा कलर है एकदम, देखिए क्या सही सा कलर है भाई, क्या बात है। ये देख सकते हैं, ये देखिए भाई साहब, मसाले डाले जा रहे हैं, हल्दी डाल दिया गया, इसके बाद धनिया,
कितना बढ़िया सही कलर है भाई, कितना सही कलर है, ये देख सकते हैं। और मिर्च, लाल मिर्च, ये देखिए भाई साहब, ये देखिए क्या सही सा कलर है भाई। थोड़ा सा पानी डाल दिया गया है, ये सारा डाल दीजिएगा। ये देखिए गाइस, ये देखिए भाई साहब कलर देखिए कितना सही सा कलर, ये देख सकते हैं कितना बढ़िया रोगन जो है मटन स्टू के मसाले का, और इतना लाल मसाला। और ये जब जाता है स्टू में तो कलर जो है वाकई में बहुत ही ज़बरदस्त होगा। इसका कलर देखिए भाई साहब, रोगन देखिए इसका, भुने हुए मसाले डाल दिए गए भाई साहब, भुने हुए मसाले डाल दिए गए एकदम ध्यान से देखें कितना बढ़िया कलर एकदम देख। ये देखिए भाई साहब कलर देखिए, जो बिरयानी के मसाले थे उसका कलर जो डाल दिया गया, कितना बढ़िया कलर, ये देख सकते हैं गाइस। और अब इसमें क्या जाने वाला है, अब इसमें जाने वाला है गोलकी जीरा, गोलकी जीरा जाने वाला है भाई साहब, गोल मिर्च है कि नहीं, हाँ। देसी भाषा में गोल मिर्च, हाँ, ऐसे गोल की जीरा, ये गरम मसाला है, या देख सकते हैं क्या बात है, मतलब खुशबू ऐसा ना हो कि गांधी मैदान के पार चला जाए भाई, हो भी सकता है, हो भी सकता है, हो भी सकता है, मतलब ऐसा तब तो फिर ऐसा हो जाएगा, तब तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, तब तो फिर शॉर्टेज हो जाएगा, तो आदमी कम है भाई, आदमी कम है, अकेले सवारे हुए हैं, है कि नहीं, देख लीजिए आज आज मैदान में एकदम अकेले ही लगे हुए हैं भाई, और भीड़ देखिए भाई साहब, इतना मोर्चा अकेले संभाले हुए हैं, ये देखिए भाई, ये देख सकते हैं गाइस क्या कलर है भाई साहब, ये देखिए भाई साहब ये मटन स्टू तैयार हो चुका है, लग रहा है तैयार हो गया है, हाँ तैयार हो गया, ये देखिए कस्टमर्स लोग अभी से यहाँ पे जुड़ना शुरू हो चुके हैं, आना शुरू हो चुके हैं, भीड़ देखिए भाई साहब, और देखिए मटन स्टू का कलर देखिए भाई साहब, ये देखिए कस्टमर का ऑन डिमांड पीस यहाँ पे दिया जा रहा है, जो कस्टमर जो लोग जो पीस बोलते हैं वही देते हैं क्या आप, हाँ जो मांगेंगे वही देंगे, है कि नहीं, क्या बात है, मतलब ऑन डिमांड, ये देखिए भाई साहब। और भाई साहब जायकेदार जायके का जो स्वाद है वो मतलब हम लोग उठा ही रहे थे, लेकिन यहाँ पे दो चोर जो हैं, जो टेस्ट के जो दो चोर हैं वो हमें मिल गए, भाग रहे थे लेकिन पकड़ लिए, हमारे साथ है जीप चटोरा, पता है आपको बिहार के सभी दिलों में टेस्ट वाले जो दिल से बिलोंग करते हैं, टेस्टपुर वाले इलाके से जो बिलोंग करते हैं तो जानते ही होंगे, और साथ में हमारे साथ फूडी परिंदा, अब परिंदा है तो भाई साहब उड़ते उड़ते आ गए यहाँ पे, जानते हैं इनसे थोड़ा सा, मतलब यहाँ भटकते भटकते कैसे आ गए आप, खुशबू जो था ना खुशबू इस जगह से क्रॉस करे कि यहाँ पे ना आए पॉसिबल ही नहीं है, और मतलब आए तो मतलब मुझे लगा कि ये चेहरा जाना पहचाना है, तो मुझे पता चला कि लगता है ये भी चुस्ता की तलाश में कहीं भटकते भटकते ना आ गया हो तो। और यहाँ पर हमारे साथ फूडी परिंदा, क्या कहना चाहते हैं यहाँ के टेस्ट के बारे में, यहाँ के टेस्ट के बारे में ये कहना चाहेंगे हम कि शायद ही कोई जो मटन पसंद करते हैं, मटन खाना पसंद करते हैं, इस रास्ते के बारे में नहीं जानते हो, मतलब एक लाइन से यहाँ पे मटन का जो शॉप है ना सब पॉपुलर है, बहुत टेस्टी, अगर आपने नहीं ट्राई किया कभी यहाँ का तो ज़रूर आएँ और एक बार ज़रूर ट्राई करें, कहीं भी खा ले आप, एक नंबर मटन, मतलब भाई साहब जया जान रहे हैं ना, मतलब ओरिजिनल टेस्ट का जायका आपको पता चल गया, और सपोर्ट करें सभी को, और यहाँ पे जो दो दिग्गज हैं आपके सामने, है कि नहीं, एकदम रैंकिंग चल रहा है, देखिए एकदम रैंकिंग चल रहा है, फर्स्ट सेकंड और थर्ड एकदम रैंकिंग एकदम देख रहे हैं ना, गर्दा छुड़ा के चलिए चलते हैं आगे, और थोड़ा सा बिजी शेड्यूल है इनका भी, और इनको भी हम छोड़ते हैं, थोड़ा फ्री रहते तो छोड़ते तो नहीं, पूरा मटन का प्रोसेस इनके साथ मिलकर बनवाते हैं, लेकिन चलिए फिर कभी मिलते हैं। ये देखिए भाई साहब कलर देखिए, कलर देखिए, मतलब जो मटन स्टू का कलर है ना वो देखिए भाई साहब कितना बढ़िया, मतलब मटन स्टू का कलर आप देख सकते हैं कितना बढ़िया निखर कर आ रहा है, एक बार इसे प्लेट को हटाएं थोड़ा सा, ये देखिए गाइस कितना बढ़िया कलर, और क्या लगता है सीज गया है, चलिए सीज गया है, गांव के अपने बोल देगा जो सीज गया, क्या बात है। ये देखिए यहाँ पर एक कस्टमर और भी अभी देख रहे हैं मटन स्टू का आनंद उठा रहे हैं, तो इनसे जानते हैं टेस्ट के बारे में, टेस्ट कैसा लग रहा है आपको, ठीक है सर,
ठीक लग रहा है जी। हमेशा आते हैं खाने की, आ जाए हैं? नहीं, हमेशा आते हैं, हमेशा आते हैं जी। ये देख सकते हैं गाइस, सब चीज़ बराबर है, टेस्ट मसाला वसाला जी जी, नमक वगैरह जी सर। ये यहाँ पर एक कस्टमर हैं, यहाँ पैक करवा रहे हैं, क्या मतलब क्या कहना चाहिएगा इस टेस्ट पर? हाँ, इस टेस्ट पर क्या कहना बोलते चाहिए? रहे 20 साल से खा रहे हैं, किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। हाँ, मतवाली का होटल। ये देखिए गाइस, क्या पैक पैक करवा के लेके जा रहे हैं? पैक भी करवाएंगे, खाना भी खाएंगे। क्या बात है, 20 साल से आप खा रहे हैं? हाँ, 20 साल से। ये देखिए गाइस, 2008 में ज्वाइन, 2006 में ज्वाइनिंग किया था यहाँ पर। अच्छा, कहाँ पे ज्वाइन किए थे? सेल्टेक्स। अच्छा, सेल्टेक्स ऑफिस में। अच्छा, वही साहब के लिए ले जा रहे हैं। क्या बात है, ये देख, ये देखिए भाई साहब, दो पीस करेली निकालो। ये देखिए भाई साहब, ये पीस एकदम, मतलब जो कस्टमर का डिमांड होता है वही पीस दिया जाता है क्या? ये देखिए करेली, देखिए भाई क्या बात है, ये देख सकते हैं गाइस, क्या बात है भाई, ग्रेवी तो एकदम उझिल उझिल के दिया जा रहा है। क्या बात है भाई साहब, देख सकते हैं मटन की दीवानगी किस तरीके से है, भीड़ आप देख सकते हैं, एक लॉट टूट रहा है। अच्छा, हमको पता चला कि चावल एक लॉट खत्म हो गया है। एक लॉट चावल खत्म है, दूसरा चढ़ा दिया है। देखिए गाइस, दूसरा जो है चावल चढ़ा हुआ है और एक लॉट अभी जो चावल है वो खत्म हो गया है इतनी देर में ही। अच्छा, कलेजी बचा हुआ है कि खत्म हो गया? कलेजी वो भी लास्ट है, दो तीन पीस और होगा बस खत्म। मतलब बना नहीं कि सफाचट? अब क्या बात है, क्या बोल रहे थे? झोर में कोई तरह का गड़बड़ी नहीं कि क्या कहा, आज पेट खराब हो गया, आज 18-20 साल से खा रहे हैं, किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई। मतलब एकदम संतुष्ट, एकदम, मतलब बोला जाए तो अगर मटन रोज घर की तरह है, घर की तरह, हाँ घर की तरह, मतलब रोज भी खाना पड़े तो दिक्कत नहीं? कोई दिक्कत नहीं, आज बोलते रहे 20 साल से रोज खा रहे हैं। क्या बात है भाई साहब, देखिए मतलब दीवानगी देखिए भाई साहब, इस जगह की दीवानगी देखिए, है कि नहीं, ये क्या बात है। मतलब पैक हमने अभी प्लेट लिया है और थोड़ा सा लिया है ट्राई करने के लिए, टेस्ट करने के लिए, इसका जायका, जो पूरा प्रोसेस था मटन स्टू का वो आप लोगों से शेयर करते हैं। ये देखिए मटन स्टू का जो कलर है ना भाई साहब, ये देखिए कितना बढ़िया निखर कर आ रहा है, कितना बढ़िया, साथ में चोखा चटनी आम वाला, आम और पुदीने के साथ, मिर्चा और प्याज और चावल मैंने थोड़ा सा लिया है। ये देख सकते हैं कितना बढ़िया इसका रोगन जो है भाई साहब, चलिए ट्राई करते हैं और आप लोगों से बताते हैं। सो गाइस, ये हमारे पास थाली है, आप देख सकते हैं गाइस, काफ़ी ज़्यादा थाली, बढ़िया थाली, सजा हुआ थाली, ये यहाँ पे देख सकते हैं मटन के साथ, मटन स्टू पूरा प्रोसेस हमने देखा था और अब हम इसको ट्राई करते हैं, इसके टेस्ट का जायका आप लोगों से बताते हैं। पहले ग्रेवी देखिए कितना थिक ग्रेवी है, काफ़ी ज़्यादा थिक, काफ़ी गर्म है भाई साहब, काफ़ी ज़्यादा गर्म है, मतलब मैं हैंडल नहीं कर पा रहा हूँ, है ना। इसके ग्रेवी को थोड़ा सा मैं चावल पर मैं डालता हूँ, चावल पर मैं डालता हूँ, इसके साथ ट्राई करने का कोशिश कर रहा हूँ मैं। काफ़ी गर्म है भाई साहब, काफ़ी गर्म है, काफ़ी गर्म है, मतलब आप समझ सकते हैं तुरंत अभी चढ़ा हुआ है और वहाँ से मुझे ये सर्व किया गया है। ट्राई करते हैं इसके रस के साथ। ग्रेवी मुझे काफ़ी बढ़िया लग रहा है, थिक ग्रेवी है, लाइट ग्रेवी भी आप बोल सकते हैं, लाइट बोलने का मेरा मतलब ये है जो मसाले हैं उसका जो फ्लेवर है वो अलग अलग तरीके से मिल रहा है आपको, जो स्टू में होनी चाहिए। और जो टेस्ट का जायका है ना भाई साहब, मतलब स्टू का एक अलग कल्चर है, वो स्टू का एक अपना स्वाद है, वो चीज़ आपको यहाँ मिलेगा। आमतौर पर हम लोग देखते क्या है कि स्टू को एक साथ बनाया जाता है, लेकिन यहाँ जो प्रोसेस है ना भाई साहब वो अलग अलग तरीके से स्टेप बाई स्टेप प्रोसेस, जैसा कि हमने पूरे अंटे घाट में हमारा जो पूरा सीरीज चला ना, जिन्होंने नहीं देखा है वो देखें, विजय होटल से लेकर मुन्ना होटल से लेकर अभी मतवाली होटल को हमने कवर किया है, सबका जो प्रोसेस है कॉमन है, टेस्ट भी लगभग मिलता जुलता बढ़िया है। यहाँ ग्रेवी काफ़ी मुझे अच्छा लग रहा है, पीस काफ़ी गर्म है इसलिए मैं छू नहीं पा रहा हूँ अभी। ये देखिए भाई साहब, थोड़ा नज़दीक से आएंगे इस पीस को दिखाएंगे, काफ़ी गर्म है, देख सकते हैं कितना भाप अभी निकल रहा है भाई साहब, कितना भाप, इसे हमने यहीं पे छोड़ा। देखिए पीस काफ़ी सीझा हुआ है, देखने से पता चल रहा है, लेकिन इतना गर्म है ना भाई साहब, मतलब मैं छू नहीं पा रहा हूँ भाई साहब, लेकिन कोई बात नहीं, देखिए बहुत गर्म है भाई साहब, बहुत गर्म है, लेकिन कोई बात नहीं भाई साहब,
जो जायका है इसके फ्लेवर का वो काबिले तारीफ है। कहाँ पे मंगाना है? बहुत ही बढ़िया टेस्ट मुझे लग रहा है। स्टू का जो होना चाहिए ना भाई साहब, स्टू का जो ओरिजिनल टेस्ट होना चाहिए ना, वो मुझे मिल रहा है। आप देख सकते हैं भाई साहब, यहाँ पर ये पीस बहुत गर्म है इसलिए मैं सहारा ले रहा हूँ। एक बार आप हल्का सा अलग करते हैं, कितना बढ़िया तरीके से पीसेस आपको अलग अलग मिलेंगे। देख सकते हैं कितना बढ़िया तरीके से पीसेस आपको अलग हो जाएंगे। और बहुत अच्छे तरीके से इसे सिझाया गया है, बहुत देर तक इसे तैयार किया गया। टेस्ट अल्टीमेट है भाई साहब। करते हैं इस थाली को फिनिश, मिलते हैं एक नए जगह पे एक नए जायकेदार जायका के साथ। तब तक के लिए हमारे साथ बने रहें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, प्यार देते रहें। एक नए लोकेशन पर एक नए टेस्ट के साथ ये बिहारी काइट्स आपका स्वागत करेगा, और प्यार दें। थैंक यू फॉर